फ्रेंड सर्किल वैप ऐप, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रखा है, फ्रेंड सर्किल वैप ऐप। और ये मेरे पास इस तरीके से है, मैंने इसको ओके करा, ठीक है। एमटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एमवीसी पे चेक लगाऊंगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आप इसको ओके कर सकते हो, सही है। सबसे पहली बात ये है कि हमें इसका डेटाबेस डिजाइन करना। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपने इस पे डेटाबेस को डिजाइन करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से मैनेज होंगी और किस तरीके से चलेंगे। बिना डेटाबेस डिजाइन करे हम कोई काम नहीं कर सकते आगे, सही है। तो एप्लीकेशन बनाने का या वेब एप्लीकेशन बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि आप सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर दें, ठीक है। ना डिजाइनिंग नथिंग, ठीक है। चेक कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद डेटाबेस बनाने के लिए ऐप डेटा में गई मैं। ऐप डेटा में जाने के बाद, ऐड पे जाने के बाद मैंने न्यू आइटम पे क्लिक करा और एसक्यूएल डेटाबेस है। इस डेटाबेस का नाम हम यहाँ रख रहे हैं फ्रेंड सर्किल और ऐड कर दिया, ठीक है। फ्रेंड सर्किल करके मैंने डेटाबेस ऐड कर दिया, सिर्फ डेटाबेस ऐड करा। ऐप डेटा पे जाके, ऐड पे जाके, न्यू आइटम पे जाके ऐड करा, सही है। अभी फ्रेंड सर्किल का मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मेरे पास टेबल्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से मुझे काम करना है। यहाँ पे मैं आ रही हूँ, न्यू ऐड न्यू टेबल मुझे करना है। ऐड न्यू टेबल के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और किस तरीके से मेरे पास चीजें मैनेज होनी चाहिए। पहले आप इस डेटाबेस को समझ लो, हमें डेटाबेस बनाना क्या, ठीक है। फिर बाद में हम ये देखेंगे, अभी कोई पेज क्रिएट नहीं होगा, सबसे पहले डेटाबेस बनेगा, ठीक है। एक डेटाबेस ये रफली बना लिया है, अब इस डेटाबेस पे क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से वर्क करना है वो हम अपने टेबल में, नाम है वो मैंने यहाँ पे ये कहा है। पहले तो आपने ये देखना है कि कोई इसके अंदर फॉरेन की उठ के नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई एक ऐसा टेबल जिसमें फॉरेन की नहीं आ रही। एक तो एडमिन है और एक रजिस्ट्रेशन है, इसमें भी फॉरेन की का इस्तेमाल है, इसमें भी फॉरेन की का इस्तेमाल है, इसमें भी फॉरेन की का इस्तेमाल है। तो जिन टेबल में फॉरेन की का इस्तेमाल होता है वो बाद में बनते हैं और वो टेबल पहले बनते हैं जिसमें प्राइमरी की होती है। तो पहले हमारे पास जो टेबल बनेगा वो रजिस्ट्रेशन का बनेगा, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं और जितने भी टेबल और कॉलम के नाम है सब स्मॉल में रख रही हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। प्राइमरी की है मेरे पास, आइडेंटिटी मैंने लगा दी है यहाँ पे। स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, अगर कुछ भी नहीं लगा रही तो इसका मतलब है कि ये 1 2 3 करके खुद ही स्टार्ट होगा, सही है। उसके बाद आप दूसरे ही कॉलम्स पे आ जाओ, हमारे पास जो बाकी के कॉलम्स हैं वो मेरे पास कुछ इस तरह के हैं, सही है। पेस्ट करा है और इनके आगे मैं अगर कॉमा लगाती हूँ, ठीक है, ये सारे कॉमा पे, सही है। अभी मैं एडजस्ट करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं, वार्ड चार, ठीक है, वार्ड चार 5050, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सही है। अभी मैं क्यूरी से ही काम कर रही हूँ, वहां पे नहीं काम कर रही। ये मेरे पास डेट आएंगे, ठीक है। जेंडर हमारे पास वार्ड चार है, ये हमारे पास 5 कर लो। फोन नंबर हमारे पास वार्ड चार है, ठीक है। एड्रेस हमारे पास वार्ड चार है, ठीक है। और ये मेरे पास वार्ड चार क्या है, मैक्स। एड्रेस में एक एस खत्म करी क्योंकि वो उसका रिजर्व वर्ड है, ठीक है ना। पासवर्ड में भी ये खत्म किया है मैंने एक एस, ठीक है। यूजर इमेज में भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसको भी मैक्स रखूंगी। मुझे नहीं पता कि इमेज की जो है वो टाइप क्या है,
कितनी है, अकाउंट स्टेटस हमारे पास क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं, लास्ट वाले पे कॉमा नहीं था। अब ये आपके पास यहाँ सारे आ रहे हैं। डेटा टाइप कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन से जाके यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। अच्छा, इमेज के अंदर होता हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं इमेज की बात कर रही हूँ ना कि भाई मुझे अगर इमेज रखना है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको कोई इमेज का नजर आ रहा है? ये इमेज जो होता है वाइट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, फिर यहाँ पे पाथ नहीं आती, सिर्फ ये पिक्चर डायरेक्टली स्टोर हो जाती है डेटाबेस में ही स्टोर रहती है पिक्चर, यानी हमें फिर फाइल के पाथवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इधर तो ये यूज कर लेंगे, बाकी जगहों पे हम पाथ यूज कर लेंगे। इधर मैंने इमेज की टाइप क्या कर दी, ये कर दिया, ठीक है। पासवर्ड मेरे पास मैक्सिमम है, ये वर्ड्स और मैक्स हमने इसलिए यूज करा है कि हमें नहीं पता एड्रेस का। ये हमारे पास डेट है, हमने इसको डेट यूज करी है। ईमेल है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। नाउ मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जो ईमेल है ना वो हर यूजर का क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और हर यूजर का जो फोन नंबर है ना वो भी उसका यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई? बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे यूनिक रखनी है, ठीक है। रहा सवाल ये, इसका अकाउंट स्टेटस में डिफॉल्ट वैल्यू मुझे क्या रखनी है? डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कह दिया, मुझे क्या रखनी है, पेंडिंग रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम डिफॉल्ट कह देते हैं कि भाई ये जो है ना डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, पेंडिंग पे। अगर ये दे रहा है तो ठीक है, एरर नहीं दे रहा, ठीक है। डिफॉल्ट पेंडिंग है बेसिकली, यहाँ लगाना है, लगा तो नहीं तो बाद में हम लगा देंगे, कोर्ट से लगा देंगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ मैंने ये काम कर लिया, इसमें मेरे पास और कोई काम नहीं है। नल तो हमारे पास कुछ और हो भी नहीं सकता, नॉट नल की बात है कि एम्प्टी मुझे क्या नहीं छोड़ना, रजिस्ट्रेशन के वक्त फर्स्ट नेम आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, लास्ट नेम बेशक छोड़ दो, ईमेल आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, फोन नंबर आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, पासवर्ड आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इमेज आप बाद में भी कर सकते हैं, और ये भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगी, ये तो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, ठीक है। जेंडर भी आप बाद में लिख लेना कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली फील्ड है, ठीक है। फर्स्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड, ये हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ टेबल का नाम कर दिया, मैं इसको अपडेट कर रही हूँ। अपडेट करने के बाद मेरे पास जो स्क्रिप्ट है, अपडेट डेटाबेस, ये मेरा एक टेबल क्रिएट, सही है। यहाँ आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद देखा रजिस्ट्रेशन का टेबल, बात समझ में। टेबल में जाने के बाद एड न्यू टेबल दोबारा करूंगी, दूसरा टेबल अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और दूसरा टेबल हमें जो क्रिएट करना है वो हमें करना है यूजर पोस्ट की। आ रही बात समझ में? बाद में करेंगे, हमारे पास ये जो आईडी है ना इसी को मैं कह दूंगी ये मेरी पोस्ट आईडी, ठीक है। इसको मैंने यहां से हटा दिया, और ये प्राइमरी की है, इसके साथ हमारे पास है आइडेंटिटी है, ये फॉरेन की है, वो हम बाद में लगाते हैं फॉरेन की, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इंटीजर है, और मैं कह रही हूँ जो रजिस्ट्रेशन के अंदर आईडी थी ना वो ये वाली आईडी, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया ये यूजर आईडी है, ठीक है, ये पोस्ट टाइप है, ठीक है, और ये मेरे पास पोस्ट की प्राइवेसी सेट हुई है, और यहाँ हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक फॉरेन की लगी हुई है, ठीक है, और फॉरेन की मेरे पास किस कॉलम के ऊपर लगी, ठीक है, इसके ऊपर लगी हुई यूजर आईडी है, ठीक है। रेफरेंसेस की बात अगर मैं करूं, ठीक है, रेफरेंसेस में मैंने कहा
भाई ये वाला रजिस्ट्रेशन का टेबल है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का टेबल का जो कॉलम है वो क्या है, सिंपल बात समझ में आई। और टेबल का नाम हम यहाँ पे नाम रख देंगे, वो है हमारा यूजर कोड, यूजर, ठीक है, यूजर कोड। मैं डैश वैश नहीं डाली, डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। और अपडेट कर दिया मैंने, अपडेटेड टेबल, देन रिफ्रेश, आपके पास यहाँ पे आ गया वो यूजर, आ गया, ठीक है, हो गया। कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है आपने उसको मॉडिफाई करा, अपडेट करा, अपडेट डेटाबेस करा, वो खुद ही मॉडिफाई होता है। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ सुधार, वैसे ये देगा नहीं, वो वैसे तो वैसे ही देता है, लेकिन फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉलम का नाम जो है ना छोटा हो या बड़ा हो, ये बात समझ में आई। अब हमारे पास और भी मौजूद है, वो है हमारे पास पोस्ट लाइक एंड कमेंट, ठीक है ना। न्यू टेबल है हमारे पास, पोस्ट लाइक और कमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी, ये दोनों हमारे पास प्राइमरी ही की है, मौजूद है, फॉरेन की में है, ठीक है, कॉमा कॉमा, बता दो। ये मेरे पास यूजर आईडी है, ये मेरे पास पोस्ट आईडी है, सही है, ये यूजर आईडी है, ये पोस्ट आईडी है, ये मेरे पास है पोस्ट लाइक है, भूल होगी क्या कोड जो है ना, जो ईमेल और उसको भेजा जाता है वेरिफिकेशन अकाउंट पर आते हैं, यहाँ मैं टीजर ही रखती हूँ, जीरो या वन में ले सकती हूँ, ठीक है, पोस्ट साइज वन है या जीरो। हाँ जैसे हम किसी का अकाउंट बनाते हैं ना, सही है, पोस्ट लाइक एंड कमेंट मेरे पास ये आ गया, ये दोनों मेरे पास जो है ना फॉरेन की है, तो फॉरेन की के लिए हमने यहाँ पे क्या काम करना है, एक तो ये वाली फॉरेन की है मेरे पास, यूजर आईडी वाली, दूसरी मेरे पास फॉरेन की है पोस्ट आईडी, ठीक है ना। पोस्ट आईडी रेफरेंसेस किससे करती है मेरे, किस वाले टेबल से करती है, यूजर पोस्ट से, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी यूजर पोस्ट, और आईडी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट आईडी, ठीक है, बात समझ में आई। एक इस वाले से थी और एक ये वाली, एक इस टेबल से, एक इस टेबल से, ठीक है। पोस्ट लाइक कमेंट हमने ये दे दिया, अपडेट कर दिया डेटाबेस, सही है, रिफ्रेश करके देख लो आ गया होगा टेबल मेरा। इसके बाद है यूजर फ्रेंड, ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनाना है, यूजर फ्रेंड बनाना है। एड न्यू टेबल, यूजर फ्रेंड, यूजर आईडी, ठीक
ठीक है, और यूजर आईडी देन फ्रेंड आईडी, दोनों के दोनों जो है ना ये इधर से ही आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से ही आ रहे हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है, एक में यूजर आईडी है और एक में क्या दिया हुआ है, फ्रेंड आईडी दिया है, ठीक है। दोनों आईडी है, स्टेबल की एक स्टेबल की, रजिस्ट्रेशन में तो हमने सिर्फ आईडी लिखा हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे आईडी आईडी लिख रहे हैं, सही है, बात समझ में। यूजर फ्रेंड के अंदर दोनों आईडी है कि किस यूजर का कौन सा फ्रेंड है, तो ये बार बार रिपीट भी हो सकता है। नाउ अब इसको हम अपडेट कर देंगे, बात समझ में आई। इसी तरीके से इसको रिफ्रेश करा, हमारे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। नाउ अब एडमिन की बारी है, एडमिन रजिस्ट्रेशन है यूजर फ्रेंड और यूज फॉर इन द हाउस, अब टेबल नेम चेंज हो गए थे। हाँ सही है, ये इसका अपना अलग है, इसमें कुछ भी नहीं, किसी के उससे कोई लिंक नहीं, ठीक है। एडमिन रजिस्ट्रेशन है, इसको हमने डायरेक्ट अपडेट करा, अपडेटेड, ये यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। रिफ्रेश करा, मेरे पास ये आ रहा, ये बात समझ में आ गई, याद है कोई इशू? अच्छा बेटा, डेटाबेस तो हमारे पास सारे बन गए, कि टेबल ना सारे मैंने बना लिए, चार से पांच टेबल थे जो मैंने बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है डेटाबेस बनाने के बाद, ठीक है, हम जाते हैं मॉडल में, मॉडल में जाने के बाद ऐड पे जाते हैं, और ऐड न्यू आइटम पे जाने के बाद ईडी डॉट एंटिटी मॉडल लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, यही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास फ्रेंड सर्किल आ रहा है, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, प्रोराइट से चेक हटा दिया, जितने भी टेबल्स मेरे पास आ रहे हैं सब पे यहाँ चेक लगाए, सब पे लग गए, ठीक है, इनको मैंने यहां से फिनिश करा। लोड होने दो, ये मॉडल क्रिएट कर रहा है। जिन जिन में मैंने प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज लगाई थी, आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हुए हुए आपको नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है कि कौन सा टेबल किससे कनेक्ट है और कैसे कनेक्ट है, सही है, ये सब फॉरेन की का काम है। आप देख सकते, ठीक है, बात समझ में आ गई। वन टू मैनी का मतलब ये है कि एक यूजर के मल्टीपल फ्रेंड हो सकते हैं, वन टू मैनी का मकसद है एक यूजर मल्टीपल पोस्ट कर सकता है, सही है। इधर भी यही है, यूजर पोस्ट एंड लाइक की अगर मैं बात करूं, एक पोस्ट मल्टीपल टाइम लाइक एंड कमेंट हो सकती है। बाकी इनकी क्यूरीज होती है जो हमारे पास रिजल्ट देती है कि कितने लाइक्स हुए, कितने क्या हुए, वो हमारे पास अलग होता है, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ गई, मॉडल वगैरह सब कुछ बन जाए, इसके बाद बिल्ड पे जाओगे और एक दफा अपने प्रोजेक्ट को ना रीबिल्ड जरूर कर देना। मॉडल बनाने के बाद हमें रीबिल्ड जरूर कर देना, ताकि मेरा जितना भी काम है यहां तक का वो बिल्ड होके स्टोर हो जाए। बिल्ड यहाँ पे चल रहा है कि जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है, वो यहाँ नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे उसने लिख दिया होगा, ठीक है, ये आ गया सक्सेस।
बात समझ में आ नहीं आता, यहाँ तक कोई इशू किसी को?